रही हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, पिछले एक साल से इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रखा है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है जिस सरकार, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, वही पार्टी दिल्ली की सरकार भी चला रही है। छह महीने से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन है। छह महीने पहले तो आप उतरने का नाम नहीं, देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके बीजेपी को वोट दिया था, बड़ी आस लगा के बीजेपी को वोट दिया था, पर इन छह महीनों के अंदर आपको देख के एक एक करके जितने वादे करे थे बीजेपी ने, एक एक करके सारे वादे तोड़ती गई। अब तो लोगों ने कहना चालू कर दिया ये बीजेपी की सरकार यू टर्न सरकार है। जो कहती है उसका उल्टा करते हैं, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। बीजेपी ने कहा था महंगाई दूर करेंगे, नारा दिया था इन्होंने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा महंगाई दूर हो जाएगी चुनाव के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई दूर हुई क्या छह महीने में? महंगाई बढ़ और गई भाई साहब, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं आम आदमी को। जैसे ही चुनाव जीते, चुनाव के पहले कह रहे थे महंगाई दूर करेंगे, चुनाव जीतने के तुरंत बाद सबसे पहले चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़े, फिर फलों के दाम बढ़े, फिर दूध के दाम बढ़े, फिर इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। याद करो चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में इन्होंने होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30%, याद आया आपको? लगाए थे ना, पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे। पिछले छह महीने में भाई साहब एक पैसा कम नहीं करा इन्होंने बिजली का, उल्टे दो बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। 30% बिजली के दाम कम नहीं करे, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन लोगों ने छह महीने के अंदर। धोखा करा, जो कहा उसका उल्टा करा। और अभी डेढ़ महीना पहले इन्होंने ऐसी हरकत करी है, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। इन्होंने डेढ़ महीने पहले 108 दवाइयों के दाम, 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए। तीन खतरनाक बीमारियां हैं जी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर। इन तीन बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए बीजेपी वालों ने। ग्लाइवेक करके एक दवाई है कैंसर की, 8,000 रुपए की आया करती थी, इन्होंने बढ़ा के 1,08,000 रुपए की कर दी सीधी, 1,08,000। एक ब्लड प्रेशर की दवाई है 142 रुपए की आया करती थी, सीधे बढ़ा के 1,600 रुपए की कर दी भाई साहब। क्यों? कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के। तो बीजेपी वालों ने कहा था महंगाई कम करेंगे, कम नहीं करी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी इन लोगों ने। कुछ लोगों को गलत फहमी है, कहते हैं जी पेट्रोल तो कम कर दिया, पेट्रोल भी कम नहीं करा भाई साहब, समझ के जाना अच्छी तरह। पेट्रोल कैसे बनता है अपने देश में? हम बाहर के मुल्कों से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले छह महीने में कच्चे तेल के दाम आधे हो गए बिल्कुल। जून के महीने में कच्चा तेल $115 का था, आज कच्चा तेल हो रहा है $54 का, आधे से भी कम हो गया। कच्चे तेल के दाम अगर आधे हो गए तो भाई साहब पेट्रोल के दाम भी आधे होने चाहिए थे। ये तो सीधी सीधी गणित है, गलत तो नहीं कह रहा जी? जून के महीने में पेट्रोल 71 रुपए का था, आज क्या भाव होना चाहिए था? 35 रुपए का। सीधी सीधी गणित है, 35 रुपए का होना चाहिए था, आज दिल्ली में क्या भाव है पेट्रोल का? 61 रुपए। तो ये भी महंगा कर रखा पेट्रोल, पेट्रोल सस्ता नहीं कर रखा। तो इन्होंने धोखा दिया जी, चुनाव के पहले कह रहे थे महंगाई दूर करेंगे, कोई महंगाई दूर नहीं करी इन्होंने, महंगाई इतनी बढ़ा दी कि एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। चुनाव के पहले कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, इन्होंने नारा दिया था
बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हो गई क्या? ये आप राशन कार्ड बनने लग गया क्या बिना पैसे के? एमसीडी वालों ने पैसे लेना बंद कर दिया क्या? रिश्वत के रेट दुगने हो गए भाई साहब, दुगने। रिश्वतखोरी भी बंद नहीं करी इन्होंने। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे। बोले 70 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं स्विस बैंकों में, 100 दिन में 70 लाख करोड़ ले आएंगे, हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। जिस जिसको 15 लाख रुपए मिल गए हाथ खड़े करो जरा से, किसी के नहीं आए? धोखा करा भाई साहब, होने वाली बात नहीं थी। जब इन्होंने बोला था चुनाव के पहले, हमको पता था होने वाली बात नहीं है। 70 लाख करोड़ 100 दिन में नहीं आ सकते थे, झूठ बोला इन्होंने। लालच दे के, झूठ बोल के, धोखा दे के जनता को इन्होंने जनता से वोट ले लिए भाई साहब। और इन्होंने चुनाव के पहले बोला था विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, और अब क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को नौकरी नहीं करने देंगे। विकास नहीं करेंगे, नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। विकास नहीं करेंगे, लव जिहाद करेंगे। अरे चुनाव के पहले बता देते थे, एक वोट नहीं मिलता तुमको, एक वोट नहीं मिलता इस देश में। गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? झूठ बोल बोल के वोट लिए इन्होंने, झूठ बोल बोल के वोट लिए। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी 6 महीने हुए अभी, थोड़ा टाइम दो। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, 49 दिन के अंदर हमने इतने काम कर दिए थे, 180 दिन में एक काम बता दो जो इस सरकार ने आपके लिए करा हो। कुछ याद आ रहा हो तो बताना भाई साहब, एक काम इन्होंने आपके लिए करा हो 6 महीने में, एक काम, एक भी काम इन्होंने 6 महीने में नहीं करा, हमने 49 दिन में इतने काम कर दिए थे भाई साहब। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर आपके बिजली के बिल आधे कर दिए थे मैंने। जिस जिसके बिजली के बिल आधे हुए थे हाथ खड़े करो जरा से, सबके बिजली के बिल आधे हो गए थे। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर मैंने आपके बिजली के बिल आधे कर दिए थे। मैं 2 दिन के अंदर आपके बिजली के बिल आधे कर सकता हूं, ये 6 महीने में आपके बिजली के बिल कम नहीं कर सकते क्या? ये 6 महीने में आपके बिजली के बिल कम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नीयत खराब है। गलत तो नहीं कह रहा जी? नीयत खराब है। आप खुद ही बताओ, दिल्ली में बिजली कंपनियों का मालिक कौन है? अनिल अंबानी। अगर मैं अनिल अंबानी से दोस्ती कर लूं तो क्या मैं आपके बिजली के बिल कम कर सकता हूं? नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के साथ घूमते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को अपना स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बना रखा है। तो अगर अनिल अंबानी से दोस्ती है तो भाई साहब आपके तो बिजली के बिल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम कैसे होंगे भाई साहब? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ठीक कह रहा हूं ना? हमने भी पिछली बार चुनाव लड़े थे भाई साहब, हम भी गली गली गए थे, हमने भी वोट मांगे थे, हमने भी वादे करे थे जनता से, लेकिन हमने जो वादे किए, जो कहा वो करके वो करके दिखाया हमने। मैंने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, इन मीडिया वालों ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा। ये मीडिया वाले बोले बिजली के बिल नहीं हो सकते कम, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई साहब सरकार बनने के 2 दिन के अंदर आपके बिजली के बिल आधे कर दिए थे, 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे मैंने, 250 करोड़ रुपए आपके बिजली के बिल आधे करने के लिए। फिर इन्होंने मजाक उड़ाया, बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे मैं घर थोड़ी लेके गया था पैसे, मैं तो जनता पे ही पैसे लुटा रहा था। आप खुद ही बताओ भाई साहब, 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो? 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता का बिजली का बिल आधा होता हो? एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए भाई साहब? अभी अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही है।
मैं भी खरीद लेता भाई साहब। हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता जी, मैं भी खरीद लेता अपने लिए हेलीकॉप्टर, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। तो ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर लेने तो दूर की बात, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया मैंने सरकार से, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। मुख्यमंत्री बना ना, इन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, वो मुख्यमंत्री वाली गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई थी, मैंने गाड़ी वापस कर दी। अपनी टूटी फूटी वैगन आर में, टूटी फूटी गाड़ी में घूमा करता था, घर से निकलता था लाल बत्ती पे रुकता था, नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री की, उसकी तो हरी हरी होती है। लाल बत्ती पे रुकता था, सिक्योरिटी तो ले नहीं रखी थी, सारी जनता घेर लेती मेरी गाड़ी को, मैं शीशा नीचे करता है, जनता से हाथ मिलाता, जनता कहती ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, सड़क पे हाथ दे के उसकी गाड़ी रोक लो, सड़क पे खड़े होकर उससे हाथ मिला लो। तो दोस्तों हमने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, हमने 48 घंटे में कर दिया, जो कहा वो करके दिखाया था। हमने कहा था 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देंगे, 5 दिन के अंदर कर दिया था, 5 दिन के अंदर भाई साहब। यही तो मैं सोचता हूं, हमने इतने काम 49 दिन में कर दिए, इनसे 180 दिन में एक काम नहीं हुआ भाई साहब, एक काम नहीं हुआ। फिर हमने कहा था महंगाई दूर करेंगे, जब मैं मुख्यमंत्री बना ना, CNG 50 रुपए किलो थी दिल्ली में, 1 महीने में 35 रुपए किलो कर दी थी, 35, गलत तो नहीं कह रहा जी, याद है सबको, 35 रुपए किलो कर दी थी CNG। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करते थे जी, आजकल क्या रेट हो रहा है, 40 रुपए किलो। फरवरी के महीने में मैं 10 रुपए किलो छोड़ के गया था आलू, इनसे आलू नहीं संभला एक साल में, क्या सरकार संभालेंगे भाई साहब, इनसे आलू नहीं संभला, इतनी महंगाई हो रही है आजकल। सर्दियों के महीने में गोभी खरीद के, गाजर खरीद के घर में अचार डाला करते थे, 6 रुपए किलो गोभी हुआ करती थी, 60 रुपए किलो हो रही है जी आज, 60 रुपए किलो, बताओ क्या अचार डालेंगी महिलाएं, इतनी महंगाई कर दी इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा काम हमने करा था भाई साहब, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी, रिश्वतखोरी बंद कर दी, गलत तो नहीं कह रहा जी, दिल्ली में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे भाई साहब, या फिर पीछे